हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द टेक्निकल ड्राइवर। क्या आप अपने मोबाइल से लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर कोई भी फाइल्स या वीडियो फोटोज़ को शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप से मोबाइल पर फोटोज़ वीडियोस या फिर कोई भी फाइल्स आप शेयर करना चाहते हैं बिना किसी डाटा केबल के, तो इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी डाटा केबल के मोबाइल से और लैपटॉप में फाइल शेयर कर सकते हैं, दोनों को आपस में वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को आपस में कैसे आप वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ले जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने मोबाइल से लैपटॉप पर या फिर लैपटॉप से मोबाइल पर कोई भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए तो आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है नियर बाय शेयर। दोस्तों, सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च वाले आइकन में आपको सर्च कर लेना है नियर बाय शेयर फॉर पीसी विंडो 10। इसके बाद सिंपली आपको इस पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल के आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो तीसरे नंबर की वेबसाइट है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड नियर बाय शेयर फॉर पीसी करके ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपने इसको एक जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। तो आप बिना जीमेल आईडी के भी शेयर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी से इसको लॉगिन किया है, तो आपने भी एक जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके डिवाइस नेम के नीचे पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ से इसको रिसीव फ्रॉम एवरीवन पे इसको सिलेक्ट करके इसको रख लेना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ से आप हमारे पीसी की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, इसके बाद सिंपली आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करना है। दोस्तों, सिंपली आपको गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ से आपको जीमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको उसी जीमेल आईडी को लॉगिन करना है जिस जीमेल आईडी को आपने पीसी पे नियर बाय शेयर पे लॉगिन किया था। तो सिंपली इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको डिवाइस एंड शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ से आपको नियर बाय शेयर करके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको डिवाइस विजिबिलिटी यहाँ से इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको विदाउट इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका डाटा या वाईफाई वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट है, आपको यहाँ से विदाउट इंटरनेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। दोस्तों, अब हमारे मोबाइल की भी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ से आपको यहाँ से आपको नियर बाय सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ से इसको नियर बाय सेटिंग इसको ऑन कर लेना है। तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ को देखने को मिलेंगे, एवरीवन, कॉन्टैक्ट और यूअर डिवाइसेस। तो आपको करना क्या है, एवरीवन पे इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कोई भी एक फोटो शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, तो सिंपली आपको करना क्या है, अपना गैलरी ओपन कर लेना है। तो देख सकते हो, आपने जो जिस फोटो या फिर वीडियो को आपको शेयर करना है उसको यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में ओपन कर लेना है। सिंपली आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा नियर बाय शेयर का, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप का नेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा तो मेरे लैपटॉप पर यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करने के लिए आ गया है। तो सिंपली आपको करने का यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल से यहाँ से लैपटॉप में शेयर हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फोटो यहाँ पे जो मैंने गैलरी से शेयर करी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने पीसी से अपने मोबाइल पर किसी भी फाइल से या फिर फोटो को शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना है, आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जिस भी आपकी फाइल्स में आपने फोटो या फिर वीडियो रखी है तो आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फ़ोन का नेम यहाँ पे शो करने लग गया है। तो इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन पे यहाँ पे वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो भी हमने अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल पे वीडियो शेयर करी हो तो हमारे मोबाइल पे यहाँ पे आ गया है। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक सिंपल प्रोसेस से आप अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल से फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं बिना किसी डाटा केबल के। आई होप अब आपको मालूम चल गया होगा कैसे आपको बिना किसी डाटा केबल के अपने फाइल्स वगैरह शेयर करना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।